जी वेलकम बैक जी सत श्री अकाल सी पी सी का ऑर्डर नंबर 39 ऑलरेडी वी हैव रिकॉर्डेड द वन लेक्चर रिगार्डिंग द टेम्पररी इंजेक्शन अप टू रूल 5 हमें रिकॉर्ड कर लिए थे जिस जो टेम्पररी इंजेक्शन के रिगार्डिंग डील कर रहा था जो बेसिकली रूल 6-10 है ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के रिगार्डिंग हम लोग डील कर रहे हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के रिगार्डिंग जो 94 सेक्शन एंड सबसेक्शन ई में दिया हुआ है कि द कोर्ट जो है बेसिकली मेक सच इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स एज मे अपेयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड एक्यूरेट कोर्ट जस्टिस के लिए कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर सकते हैं कोर्ट जस्टिस देने के लिए कोर्ट को मुझे जस्टिस देना है तो उसके लिए कोर्ट कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी पास कर सकती है सो 94E सेक्शन रेड विद ऑर्डर 39 रूल 6-10 ठीक है जी और जो रूल 6 है वो सिंपल सी बात करें पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल मतलब प्रॉपर्टी की सेल की बात कर रहा हूं मैं ठीक है जी तो कोर्ट के पास पावर है वहां पे लिखा है कोर्ट मे ऑर्डर द सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट में सूट का सब्जेक्ट मैटर क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है इंटरिम ऑर्डर दे सकती है कि इसको सेल किया जाए और अटैच्ड बिफोर जजमेंट सच सूट विच इज बैक टू स्पीडी एंड द नेचुरल डिके और कोर्ट को लगता है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो जल्दी से खराब हो जाएगी अगर उसकी उसको ना सेल किया जाए राइट लाइक वेजिटेबल्स हो गए वो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं कोर्ट को लगता है वो कितना समय हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल तो अगर उसको स्टोर करके रखेंगे हार्डली वो 2-3 या 4 दिन रहेगी उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो खराब हो जाएगी तो लॉ कहता है कि ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के पास पावर है कि वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल करने के ऑर्डर भी दे सकती है जस्टिस ऑलवेज डिमांड कि ऐसा काम करो क्योंकि एटलीस्ट वो खराब हो जाएगी वो किसी काम की नहीं है एटलीस्ट आप सेल कर दो वो जो पैसा इकट्ठा होगा उसको फिर आप दे सकते हो किसी भी पार्टी को जो जो कोर्ट को जस्टिफाइड कर देगी उसको आप दे तो सकते हो ना तो अगर आप ऐसा ऑर्डर पास ही ना करो तो वो सारे वेजिटेबल्स वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो स्पीडली वो खराब होगी तो उसका पर्पस कुछ केस का पर्पस ही खत्म हो जाएगा तो कोर्ट के पास पावर्स है इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर सकती है इन रिगार्ड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको सेल करो फटाफट ठीक है जी देन वी हैव अ रूल नंबर 7 वहां पे वो लिखा डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू सूट और ऑन सच टर्म्स मेक फिट मेक एन ऑर्डर वहां पे रूल 7 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है हमारा क्योंकि कोर्ट जो है बेसिकली वो ऑर्डर पास कर सकती है इसको रिटेन किया जाए उसको प्रिजर्व करके रखा जाए उस पर्सन की इंस्पेक्शन प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन जो की जाए तो कोर्ट ऐसी ऑर्डर्स दे सकती है ठीक है जी ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑर्डर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी कोर्ट उसके रिगार्डिंग भी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है तो प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन को लेकर उसको डिटेन करके कौन रखेगा तो कोर्ट ऐसे इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है इन बिटवीन द सूट अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस रिक्वायर्ड कि मुझे ऐसा ऑर्डर पास करना है ठीक है जी जहां वो किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर देगी ठीक है कि ये लैंड जो जो पर्सन के पोजेशन में वहां पे बोलेगा फॉर ऑल एनी ऑफ द पर्पस अफोरसेड ऑथराइज एनी पर्सन टू एंटर अपॉन यहां पे वर्ड एंटर अपॉन लिखा है किसी भी पर्सन को कोर्ट ऑथराइज कर देगी आप बिल्डिंग में जाओ एंटर करो ठीक है जी फॉर द अफोरसेड पर्पस जो हमने रूल 7 के 1 पॉइंट और बी पॉइंट में किया ए और पी पॉइंट किया उस पर्पस को पूरा करने के लिए कोर्ट किसी भी पर्सन को अथॉरिटी दे सकती है कि आप किसी भी बिल्डिंग में आप एंटर करके वो प्रॉपर्टी वो डिटेन करके लेके आओ ठीक है उसको प्रॉपर्टी बेसिकली अगर वो प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करनी है इंस्पेक्शन तभी करोगे जब आप किसी को थ्राइज करोगे उस वहां पे एंटर करो बिल्डिंग में जाके तो उसके लिए कोर्ट पावर दे सकती है आपको टू इंस्पेक्ट द बिल्डिंग ठीक है जी आपको बिल्डिंग में एंटर करने की पावर कोर्ट दे सकती है किसी भी जमीन पर किसी भी लैंड किसी बिल्डिंग में एंटर करने की पावर भी कोर्ट आपको दे सकती है उसके लिए कोर्ट आपको इंटरिम ऑर्डर दे सकती है देन वी हैव पॉइंट सी कोर्ट किसी भी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है कि आप वहां पर जाओ और वहां पर उस प्रॉपर्टी का सैंपल लेके आओ वर्ड लिखा ऑथराइज एनी सैंपल टू बी टेकन और एनी ऑब्जर्वेशन टू बी मेड और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड आप वहां पर जाकर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उस वस्तु के उस प्रॉपर्टी के साथ कोर्ट आपको इंटरिम ऑर्डर दे सकती है ठीक है विच मे बी सीम टू बी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल इंफॉर्मेशन और एविडेंस कोर्ट को लगता है कि
बेसिकली इस पर्पस के लिए अगर मैं बेसिकली किसी को अलाउ कर दूं कि हाँ भी जाके आप उस बिल्डिंग में जाओ और उसके रिगार्डिंग आप कोई भी सैंपल ले सकते हो, किसी भी चीज का सैंपल ले सकते हो, क्योंकि अगर वो सैंपल लिया जाएगा तो वो एक एविडेंस मिलेगा हमें, तो उस पर्पस के लिए, क्योंकि एट द एंड कोर्ट का लास्ट गोल क्या है, जस्टिस देगा, तो जस्टिस के लिए कोर्ट किसी को अलाउ कर सकती है कि टू टेक अ सैंपल, ठीक है, ऑफ अ थिंग, उसके लिए कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है, कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है आपके रिगार्डिंग। देन वी हैव रूल नंबर 8 रूल क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिकली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ ऑफ एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और 7, जो कि अगर कोई भी पर्सन रूल 6 और रूल 7 में एप्लीकेशन लगा रहा है कि सर ये मोल प्रॉपर्टी सेल करने की परमिशन दी जाए, जहां प्रॉपर्टी को डिटेन प्रिजर्व और उसको इंस्पेक्शन करने की ऑर्डर दिए जाए, तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को सुनने से पहले अपोजिट पार्टी को नोटिस जरूर भेजेगी। दिस इज व्हाट द रूल 8 सेज। वहां पे वो लिखा है कोर्ट मे बी मेड एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो कोर्ट सूट फाइल करने के बाद, जब आपने सूट फाइल कर दिया तो उसके बाद जो एप्लीकेशन लगाई है, कोर्ट ऑर्डर तभी सुनाएगी जब बेसिकली अपोजिट पार्टी को आप नोटिस भेजोगे। एन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट फॉर लाइक ऑर्डर मे बी मेड एट एनी टाइम आफ्टर पेरेंट्स। अब यहां पे दो चीजें हैं, एप्लीकेंट जो इसने एप्लीकेशन लगाई है वो इंस्टीट्यूट सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद ही एप्लीकेशन लगाएगा, उससे पहले एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, और उसको नोटिस भेजना जरूरी है दूसरी पार्टी को। डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में अगर आ रहा है तो आफ्टर अपेरेंस वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है, तो वहां पे बोल देगा एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट फॉर अ लाइक ऑर्डर, क्योंकि ये प्लेंटिव और डिफेंडेंट दोनों जो है बेसिकली इस रूल 6 और रूल 7 को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये प्लेंटिव के लिए, ये दोनों के लिए, ऑर्डर डिफेंडेंट भी अप्लाई कर सकता है कि बेसिकली इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व किया जाए, इसकी इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर किया जाए, तो ये आइदर वे है। तो लॉ कहता है डिफेंडेंट कब मूव करेगा एप्लीकेशन, जब वो कोर्ट में पेयर हो जाएगा, आफ्टर देन वो एप्लीकेशन लगा सकता है, तो उसका नोटिस अपोजिट पार्टी को जाएगा जाएगा। सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद प्लेंटिव लगा सकता है, उसका नोटिस अपोजिट पार्टी को जाएगा जाएगा, दोनों केसेस में, ठीक है जी। तो सब रूल 3 क्या कह रहा है ऑफ रूल 8, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर करने से पहले, क्योंकि 6 रूल में और 7 रूल में चाहे प्लेंटिव है चाहे वो डिफेंडेंट है, अगर दोनों में से किसी ने भी एप्लीकेशन लगा दी रूल 6 में और रूल 7 में, तो कोर्ट कहता है तो कोर्ट शैल एक्सेप्ट वर्ड लीजिए, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं, तो कोर्ट शैल डायरेक्ट नोटिस दे रहा हूं टू बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी। तो दिस इज द जनरल रूल कि आपने जैसी एप्लीकेशन लगाई रूल 6 और 7 में, ये लॉ कहता है कि इससे जनरल रूल कि आप अपोजिट पार्टी को एक नोटिस भेजोगे भेजोगे वेगी, वहां पे एक्सेप्ट वर्ड यूज किया है, मींस एक एक्सेप्शन जरूर है वहां पे। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोर्ट को लगता है कि नोटिस भेजने से डिले हो जाएगा मैटर, अगर डिले हो गया इरेपरेबल इंजरीज इरेपरेबल लॉस हो जाएगा पार्टी को, उस केस में कोर्ट उसको एग्जम्प्ट कर सकती है और ऑर्डर पास कर सकती है, इन स्पाइट ऑफ कि उसको नोटिस नहीं भी भेजा तब भी कोर्ट उसको अलाउ कर देगी, ठीक है जी। तो ये रूल हमारा 8 कह रहा है। देन वी हैव रूल नंबर 9 व्हिच सिंपली सेज व्हेन पार्टी मे बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ द लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। व्हेन पार्टी, तो वहां पे लिखा कि वेयर लैंड पेइंग रेवेन्यू जो है, लैंड पेइंग रेवेन्यू, अगर ऐसी लैंड है जहां पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे किया जा रहा है, ठीक है जी, जहां टेन्यूर है, टीनेंट है जो, ठीक है जी, और ए टेन्यूर लायबल टू सेल इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, अगर इफ द पार्टी इन पोजेशन ऑफ सच लैंड और टेन्यूर नेग्लेक्ट टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो पर्सन इन पोजेशन में है गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी के, कोर्ट कहती है कि बेसिकली आपको गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे करने थे, आपने नहीं पे किए, ठीक है, वहां पे लिखा है इफ द पार्टी इन पोजेशन ऑफ सच लैंड और टेन्यूर नेग्लेक्ट टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, जब रेंट नहीं पे कर रहा, देन सच लैंड और टेन्यूर जो है वट कॉन्स्टिट्यूटरी ऑर्डर टू बी सोल्ड। तो कोर्ट जो है उस लैंड को सेल करके गवर्नमेंट के रेवेन्यूज है वो गवर्नमेंट को पे करेगी, ऐसी लैंड जहां पे गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उस लैंड से, या ऐसी लैंड जहां पे टीनेंट जो है वो बेसिकली रेंट पे कर रहा है। तो लॉ कहता है कि वो रेंट पे नहीं कर रहा, वो अगर रेवेन्यू नहीं गवर्नमेंट को दे रहा तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को सेल करके उसको जो है वो पे किया जा सकता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो द रेंट ड्यू द प्रॉपर्टी ऑफ द टेन्योर एज़ अ केस में भी एज सच लैंड और टेन्योर कॉन्सिक्वेंटली ऑर्डर टू बी सोल्ड एनी अदर पार्टी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी और पार्टी वहां पे ऑन द स्पॉट आ रही है, छोटी प्रॉपर्टी सेल हो रही है,
अगर प्रॉपर्टी सेल हो रही है, अगर कोई पार्टी उस प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है कि सर ये लो मेरी जेब से रेवेन्यू ले लो, ये लो रेंट कितना है 50,000 है, ये लो मैं खुद पे कर रहा हूं, तो कोर्ट अपनी डिग्री में उसके फेवर में भी कुछ ना कुछ सुनाएगी, क्योंकि कोई पर्सन प्रोटेक्ट कर रहा है। लाइक सपोज ए जो है इट इज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, बट उसने पे नहीं किया पिछले 5 साल से, तो कोर्ट ने जो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी सेल करने के ऑर्डर से सुना दिए। अब उसकी प्रॉपर्टी जो उसका एक रिलेटिव है बी, वो कोर्ट में आ गया कि सर ये लो 1,00,000 रुपया रेवेन्यू ना, ये लो मैं दे रहा हूं, तो कोर्ट उसके फेवर में भी डिक्री में सुनाएगी कि बेसिकली इसको फिलहाल फॉर द टाइमिंग पोजेशन दिया जा रहा है इस पर्सन को। जब कोई चार्ज भी दे सकती प्रॉपर्टी का उसको, ताकि उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, तो यहां पे इसमें डिमेंशन की अपॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू और रेंट ड्यू प्रीवियसली टू द सेल बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ द लैंड और टेनर, कोर्ट उसको पोजेशन दे देगी इमीडिएटली। क्योंकि कोर्ट का बेसिकली पर्पज क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, अगर रेवेन्यू अभी मिल गया तो बात खत्म, उसको इमीडिएट पोजेशन उसको वापस दे देंगे। तो ये बेसिकली हमारा रूल्स है। देन वी हैव अ फर्दर वर्ड लिखा है एंड द कोर्ट इन द डिक्री, जब कोर्ट उसके बेसिस पे डिक्री सुनाएगी, वो डिक्री तो सुनाएगी, अब रेवेन्यू पे कर दिया रेंट पे कर दिया, अब डिक्री कोर्ट ने सुनानी है फाइनली, तो कोर्ट में लिखा कोर्ट थिंक फिट मे चार्ज द अमाउंट सो पेड, अब जिस पर्सन ने पेमेंट किया है उसके फेवर में डिक्री सुनाएगी कि ये पर्सन जो है बेसिकली वो सबरोगेट कर रहा है, ठीक है जी। अब वो पर्सन जो है वो इंटाइटल्ड है, वो ए से पैसे ले सकता है, ठीक है जी, तो उसको क्रेडिटर बना दिया ए का, पहले वो तो रिलेटिव था, अब रिलेटिव ने अपने ए जो है उसका ए की रेपुटेशन बचाने के लिए खुद अपनी जेब से पैसे पे कर दिए, तो नाउ दैट पर्सन बिकम द क्रेडिटर। अब उस क्रेडिटर को इमीडिएट पोजेशन भी दे सकती है उसकी, कोर्ट उसको ये भी कह सकती है हाँ भी इस प्रॉपर्टी जो उसने 1,00,000 दिया उसका चार्ज इस प्रॉपर्टी का दिया जा रहा है, ताकि उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाए, तो कोर्ट उसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास कर सकती है। एट द एंड जो हमारा 10th रूल है, लास्ट रूल ऑफ ऑर्डर 39, वो बात करें डिपॉजिट ऑफ मनी इन कोर्ट, कोर्ट में पैसा जमा कर दो आप, बात ही खत्म हो जाएगी। तो वहां पे बोल लिखा कि वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज मनी, अगर मनी का डिस्प्यूट है बात खत्म, मनी का डिस्प्यूट है, जब कोई ऐसी चीज कोई थिंग जो कैपेबल ऑफ डिलीवर है, जिसको आप डिलीवर कर सकते हो, ऐसा डिस्प्यूट है, एंड एनी पार्टी वो एडमिट कर रही है कि वो पैसा मेरे पास है, वो चीज मेरे पास है, मैं उसका ट्रस्टी हूं, तो कोर्ट कहती है कि ठीक है अगर आप उसका ट्रस्टी हो तो वो जो मनी है वो जो थिंग है वो कोर्ट में आप डिपॉजिट करा दो, आप डिपॉजिट करा दो, आप डिस्चार्ज, उसके बाद जो है हम लोग ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड कर देंगे, और जिसके फेवर में वो डिसीजन होगा उसको हम वो मनी दे देंगे, उसको वो प्रॉपर्टी हम लोग दे देंगे। तो दिस इज रूल 10, द कोर्ट में ऑर्डर द सेम टू बी डिपॉजिट इन द कोर्ट, कोर्ट उसको कहेगी ट्रस्टी को भी जो करेगा मैं ट्रस्टी हूं मेरे पास पैसा उसका पड़ा, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है आप कोर्ट में उसको पैसा डिपॉजिट करा दो, जब उस थिंग को वो जो वस्तु है जो थिंग है उसको डिलीवर कर दो, ठीक है जी। सो सच लास्ट नेम्ड पार्टी विद विद श्योरिटी, या किसी को भी ऑर्डर पास कर सकती है, या वो कोर्ट कहेगी मुझे जमा कर दो, जब कोर्ट कह सकती है हम इसको दे दो, ठीक है जी, हम लोग लास्ट में खुद डिसाइड कर देंगे, तो कोर्ट के पास ये पावर्स है। तो ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हो सकते हैं, किसी के पास किसी के अगेंस्ट भी कोर्ट इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर सकती है, तो कोर्ट ने यहाँ पर स्पेशल मेंशन कर दिया कि पैसा अगर डिस्प्यूट मनी के रिगार्डिंग है या डिलीवरी ऑफ थिंग के रिगार्डिंग है, तो कोर्ट उस मनी को अपने पास भी रख सकता है, कोर्ट किसी को भी ऑर्डर कर सकती है कि आप ये मनी जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट करा दो, और बाद में देखेंगे कि हाँ भी किसके फेवर में जा रहा है उसको हम लोग दे देंगे पैसा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो हमने 39 किया, तो ये दो हमने लेक्चर इस पर रिकॉर्ड किए हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।